जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट, दिस इज अंकित। आज की इस वीडियो में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जो भी यूपी से ही स्टूडेंट, उनका पॉलिटेक्निक का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है 2 और 4 सेमेस्टर वालों का, तो उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या वह रिजल्ट को लेकर के चिंतित उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, साथ में 2 और 4 सेमेस्टर में वो बैक है उसका एग्जाम होगा या नहीं होगा, और बात करें कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए सभी चीज़ों को। जैसा कि आपको पता है, पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम थे वह 27 अगस्त को, ठीक है, ख़त्म हो गए थे 27-28 के आसपास। उसका रिजल्ट जो है वह 16 सितंबर को आया। लगभग अगर हम डेट की बात करें तो 20 दिन के आसपास का समय लग चुका है फाइनल ईयर के रिजल्ट के आने में। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि 20 दिन की एवरेज अगर माना जाए तो यहाँ पर भी जो मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट आने की संभावना बन रही है वह कब की बन रही है, वह बन रही है आपके लगभग 10 अक्टूबर तक आपके, ठीक है, 10 अक्टूबर के आसपास यह रिजल्ट देखने को मिल सकता है 2 और 4 सेमेस्टर वालों को। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे बैक लगता है, अगले सेमेस्टर में फिर एग्ज़ाम हो जाता है, तो ऐसा तो चक्कर नहीं कि तुम फेल हो जाओगे, इस वजह से यहाँ पे ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट करो, जल्द ही नई क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी लाइव बिल्कुल चलेंगी। और बात कर लेते हैं थोड़ा बैक पेपर के बारे में, क्योंकि सेकेंड ईयर और मतलब सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए एक मतलब चिंता का विषय बन चुका है। अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स हो या फिर जेई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप के साथ आप किसी भी समय 3 स्टेप में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन पर आना है और प्ले स्टोर पर सर्च करने हैं फिलो ऐप, या फिर डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके साइन अप कर लेना है, फिर अपने उस क्वेश्चन की आपको पिक लेनी है, या फिर उसे टाइप कर सकते हैं या फिर गैलरी से लेकर के उसको अपलोड करना है। 60 सेकंड के अंतर्गत एक्सपर्ट आ करके वीडियो कॉल के जरिए आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया है यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। यदि आप फिलो ऐप का प्रीमियम ले रहे हैं तो STP005 रेफर कोड को यूज़ करना ना भूलें। फाइनल ईयर का बताते हैं, फिर सेकंड ईयर पता है। फाइनल ईयर का जो बैक पेपर था या फिर वो क्वालिफाई पेपर था, इस तरीके का जो पेपर था वो पिछले 2 सेमेस्टर से नहीं हो पा रहा था, जिस वजह ने बोर्ड ने देखा कि बच्चों को आगे, जैसे मान लो किसी को बीटेक करना है, किसी को जॉब करनी है, तो जो भी करना उसको आगे दिक्कत आ सकती है। इन सभी को देखते हुए बोर्ड ने अपने खुद से मार्क्स दे दिया और उनको पास कर दिया, कहिए भाई अब जाओ तुम यहाँ से। लेकिन क्या ऐसा 2 और 4 सेमेस्टर वालों के साथ हो सकता है? तो देखिए ऐसा मतलब बहुत कम चांस है। क्यों कम चांस है? क्योंकि देखिए पिछली बार जब हुआ था तो वहाँ पे क्या कराया गया था, पिछली बार जब हुआ था ना तो वहाँ पे ग्रेस मार्क्स वगैरह दे दिए गए थे डायरेक्टली ही, क्योंकि एग्जाम नहीं करा पाए थे। लेकिन इस बार अभी 2 और 4 सेमेस्टर वालों के लिए 1 ईयर का समय, यानी 2 सेमेस्टर का समय बचा हुआ है। अगर 2 में है तो 4 सेमेस्टर, 4th में 2 सेमेस्टर का समय बचा हुआ है, तो इस बैक पेपर को अगले सेमेस्टर में करा लिया जाएगा। लेकिन अभी रुकिए, 24 सितंबर तक का वेट कीजिए, तब तक या उसी या 25 तक वेट कर लीजिए, उसी के आसपास आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगी, पेपर होगा या नहीं होगा बैक पेपर, इसी से कंफर्म हो जाएगा 100% कि भैया पेपर होगा और किसका नहीं होगा। तो यह थी यार फाइनली अपडेट की बैक पेपर को लेकर के, 24 तारीख तक वेट कीजिए। हाँ, चांसेस कम बन रहे हैं कि 2 और 4 सेमेस्टर का कराया जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं बन रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हुआ था तो नेक्स्ट सेमेस्टर में लिए थे, इस बार ही हो सकता है कि यार छोड़ो हटाओ बच्चों को आगे पढ़ने दो, नेक्स्ट सेमेस्टर में ले लिया जाएगा, तो यही हो सकता है ये भी कराएं। बट अभी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर फाइनल ईयर से हो तो कोई चिंता करने की बात नहीं, अब रिजल्ट वगैरह नहीं अपडेट होगा, लेकिन 2 और 4 सेमेस्टर से हो तो थोड़ा थोड़ा जिस सब्जेक्ट में बैक है 10-5 दिन और देख लो, क्योंकि देखते रहोगे तो अगर एग्जाम भी कराएंगे तो अच्छे खासे कर ले जाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो करा भी दिए तो कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन मान लो एक चांसेस बन सकते हैं। आई होप सब कुछ समझ गए होंगे, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी रह गया हो
तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।